हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और एनबी क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पोर्टल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज इस पोर्टल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये ऐसा पोर्टल है जो हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत आपको 250 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी आपको यहाँ पर मिल पाएगी। पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले पाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। तो चलिए दोस्तों, पोर्टल के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर myscheme.gov.in टाइप कर लेना है। वेबसाइट का लिंक, पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का होम पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पोर्टल, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो पोर्टल की लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लैंग्वेज आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप इसे क्लिक कर दीजिए इंग्लिश या हिंदी। तो अपने अकॉर्डिंग आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कम्फर्टेबल नहीं हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम से कम आपको 12 से 15 कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हर कैटेगरी के अंदर जितनी भर स्कीम्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हर कैटेगरी के अंदर 15, 20, 25 योजनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो जिस भी कैटेगरी में, देखिए, आप जानना चाहते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, और जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, बहुत सारी स्कीम्स जिसके अंदर भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए, पहले सबसे पहले वाले हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर रूरल एंड एनवायरनमेंट, तो इसी स्कीम के अंतर्गत, इस कैटेगरी के अंतर्गत आपको 7 योजनाएँ दिखाई दे रही हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी योजनाओं की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये किन के लिए? फार्मर्स के लिए इनकम सपोर्ट है। या जैसे आप दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए है। इस तरह से आप सारी योजना इस पर देख पाएंगे। और जानकारी इस पर लेने के लिए आप इस योजना पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स में आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी कि इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे और क्या क्या इसकी योग्यताएं होंगी। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। ऑनलाइन है तो क्या करना है ऑनलाइन के लिए, और अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के लिए क्या करना होगा आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने होंगे, उसकी भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हर स्कीम जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसी तरह से सारी कैटेगरीज आपको दिखाई गई हैं यहाँ पर। तो जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए। उसके अंतर्गत सारी योजनाएँ आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। उस योजना में से कौन सी योजना आप देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक ही पोर्टल पर आपको सारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको अपने अकॉर्डिंग अगर योजना जाननी है कि मेरे लिए कौन सी योजना है जिसके लिए मैं पात्र हो सकता हूँ, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, फाइंड स्कीम फॉर यू, जो ग्रीन कलर का टैब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, जैसे आप मेल हैं, फीमेल, मेल सेलेक्ट कर लीजिए, या फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी एज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी एज ग्रुप में हैं आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपको, तो इसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एरिया है वो क्या है, रेजिडेंस कहाँ पर है आपका, अर्बन में है या रूरल में है, शहरी है या ग्रामीण है, तो आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट कर लीजिए, अर्बन है, शहरी है तो शहरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होंगी, तो अपनी कैटेगरीज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आता है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, मतलब अगर विकलांग हैं तो आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद डू यू बिलोंग टू ए माइनॉरिटी, माइनॉरिटी हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, आर यू ए स्टूडेंट, स्टूडेंट हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, व्हाट्स योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर खुद का अपना बिजनेस है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप हैं। तो आर यू करंटली वर्किंग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप यस या नो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं, नो कर दीजिए। के इसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में आप डाल दीजिए फार्मर्स हैं या कोई और सर्विस मैन है, क्या है, जो भी आपके रिलेटेड है। तो मान लीजिए आप फार्मर हैं, फार्मर सेलेक्ट कर दीजिए।
डू यू वॉन्ट टू बिलोंग टू बीपीएल, अगर आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। तो यहाँ पे फैमिली इनकम आप डाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। तो इसके बाद कोई भी स्कीम जो लगता है कि आप इसमें चेक करना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी जो सारी स्कीम्स हैं वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगी। आप इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ के आप पूरी यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।